नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। वहीं उनके इस दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वहीं शाह के दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि यूपी में हार की डर की वजह से बीजेपी के नेतृत्व में खलबली मची हुई है और इसीलिए बड़े बड़े नेता बार बार यूपी का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि यूपी में बीजेपी की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही यूपी में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे, लेकिन यूपी की जनता लखीमपुर की जीत पे बीजेपी का पराजय जुलूस निकालेगी। तो ऐसे में आपको बता दें, अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय अमित शाह का ये दौरा है यूपी का। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता दौरे कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने शाह के दौरे को लेकर यह तंज कसा है। आपको बता दें, अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा कि डर की वजह से ये दौरे लगातार किए जा रहे हैं। भाजपा को हार का डर है और जितना हार का डर भाजपा को बढ़ेगा उतने ही ज्यादा दौरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं के बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मुरादाबाद में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सरदार पटेल के जिन्ना से तुलना करने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अंगूठा छाप है। ओवैसी इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने कहा कि अखिलेश रट्टू तोते की तरह जो लिख कर दे देते हैं वो बोल देते हैं। इसी के साथ ओवैसी ने अखिलेश को इतिहास पढ़ने की नसीहत भी दे डाली। गौरतलब है कि उपचुनाव में जिन्ना पर सपा प्रमुख द्वारा शुरू की गई बहस अब थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करते हुए कहा था कि जिन्ना ने भारत की आजादी में योगदान दिया है। इस दौरान अखिलेश ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान में पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और भारत की आजादी के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे में आपको बता दें, अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को यह जिन्ना को लेकर जो बयान दिया था उस पर सियासत अब जोरों पर की जा रही है। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, अब ओवैसी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश यादव को अंगूठा छाप कहा। ओवैसी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव रट्टू तोता है, जो लिख कर उन्हें दे दिया जाता है वो वही पढ़ देते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी तो उन्हें घेरी रही थी, साथ ही साथ अब तमाम दल जो हैं वो उन पर प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप सभी तारीफ पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जीना नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे। अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन दिन से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर ट्वीट का निशाना साधा। आपको बता दें, राजभर ने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह जी, आपका सीना जातिवार जनगणना कराने के लिए क्यों नहीं चौड़ा होता है, ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर आपका सीना चौड़ा होता है। आप कब तक स्कूल में बैठने की गुलामी करेंगे।
तो ऐसे में आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने ये ट्वीट किया है, जो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, लगातार ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह से सवाल पूछा कि आपका सीना जातिवाद जनगणना कराने के लिए क्यों नहीं चौड़ा होता, साथ ही शिक्षक घोटाले को लेकर भी उन्होंने यही सवाल पूछा। और साथ ही आपको बता दें उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद पुलिस कस्टडी में मारे गए अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कासगंज पहुंचे, जहां सलमान खुर्शीद ने पीड़ित परिवार को मिलकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने के दौरान कहा कि ऐसे मामलों में सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। तो ऐसे में ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। आपको बता दें कि कासगंज में जो अल्ताफ के साथ हुआ, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद पहुंचे, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पीड़ित परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं। कुछ होता है तो सबसे पहले सबसे पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सबसे पहले FIR रजिस्टर होती है, तभी उसके बाद अगर FIR ही नहीं रजिस्टर होगी तो फिर कार्रवाई शुरू कैसे होगी। इसलिए हम समझते हैं, मानते हैं कि FIR सबसे पहले रजिस्टर होनी चाहिए, उसके बाद आगे कार्रवाई कैसे होगी, कितनी होगी, किसको करनी है, उसके बाद वो आगे अवश्य देखा जाएगा। आज ये समय जो है इंसानी तस्वीर की बातों का नहीं है। मैं हमदर्दी दिखाने आया था और ये बताने आया था कि कानूनी कार्रवाई में जो कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम सब। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और जनसंपर्क में जुटे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ और उनके समर्थकों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्पष्ट शब्दों में अपना संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को जो भी निर्णय लेना है वो जल्द ले, चाहे वो गठबंधन से संबंधित फैसले लेने का हो या फिर पार्टी के विलय का लेकर हो। तो ऐसे में आपको बता दें एक बार फिर से गठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं शिवपाल जो है इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर शिवपाल की परिवर्तन यात्रा पहुंची थी, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसे में गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जो भी फैसला लेना हो वो जल्द लें, चाहे फिर वो गठबंधन को लेकर ही क्यों ना हो या फिर वो पार्टी के विलय को लेकर हो। सुल्तानपुर में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। वहीं दोनों के आगमन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। आप भी देखिए, आज उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जहाँ पर 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और उसके पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि
यहाँ पर जायजा लेने के बाद समीक्षा बैठक की मीटिंग भी करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों के साथ वार्ता होगी, उसके बाद मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा कि हाँ 16 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम यहाँ पर सफल बनाया जा सके। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 30 ऐसे विमान, एयरजेट सुखोई जैसे विमान यहाँ पर लैंड करेंगे उसी दिन। भारत कहीं ना कहीं इस देश में अपनी ताकत का भी एहसास कराएगा कि भारत के अंदर क्या दम है। अरविंद श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, सुल्तानपुर। हमीरपुर में डीएम ने कलेक्ट्रेट स्थित कई विभागों का निरीक्षण किया, साथ ही साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि डीएम ने न्यायालय उप संचालक चकबंदी में जाकर दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया। तो तस्वीरें देख सकते हैं, आपको बता दें कि हमीरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर डीएम ने निरीक्षण किया, साफ सफाई को लेकर निर्देश भी दिए। साथ ही आपको ये भी बता दें दस्तावेजों को लेकर, चकबंदी के दस्तावेजों को लेकर उन्होंने निरीक्षण भी किया, साथ ही दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। दरअसल डीएम ने न्यायालय उत्तर प्रदेश संचालक चकबंदी में जाकर दस्तावेजों का निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल में बकाया भुगतान को लेकर किसान गन्ना पिराई डोंगे में कूदे। किसानों की मांग है कि जब तक बजाज मिल बकाया भुगतान नहीं कर देती तब तक वो डोंगे से बाहर नहीं आएंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को बजाज मिल का शुभारंभ होना था। किसानों का कहना है कि बजाज ने अपना व्यापार विदेशों में भी फैला रखा है, जिसके चलते विजय माल्या की तरह बजाज देश छोड़कर भाग सकता है। तो लखीमपुर का ये पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें किसान बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल का बकाया से परेशान किसान है। आज उसका उद्घाटन होना था लेकिन किसानों की तरफ से जो मांग रखी गई, बकाया भुगतान की मांग रखी गई, साथ ही डोंगे में किसान कूद गए और ऐसे में ये तस्वीरें भी वहां पर किसानों के प्रदर्शन की आप देख सकते हैं। बरेली जिले के बिथरी चैनपुर थाने के दो सिपाहियों की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जहां किसी बात को लेकर दोनों सिपाहियों ने एक दिव्यांग नाबालिग को दौड़ा का पीटा। वहीं पिटाई की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने दोनों आरोपित हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह और कांस्टेबल नवीन मलिक को सस्पेंड कर दिया है। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सिपाहियों की बदसलूकी की वीडियो साफ तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से बाइक पर दो सिपाही आते हैं और एक युवक के साथ, एक शख्स के साथ मारपीट करने लगते हैं। आप देखिए तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पास के लगे सीसीटीवी में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई, जिसके बाद अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी ने दोनों ही सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि दो पुलिसकर्मी, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, एक 14 वर्षीय युवक को लाठी से मार रहे हैं। मेरे द्वारा इसमें तत्कालीन संज्ञान लेते हुए दोनों ही पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों ही के विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है उसको संस्थित कर दिया गया है और दोनों ही के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की जो दुर्व्यवहार है जनता के साथ, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के जो मामले हैं उसमें कठोर जो कार्रवाई है ऊपर की जा रही है। कानपुर में छात्रों की दबंगई सामने आई है, जहां कुछ दबंग छात्रों ने एक लड़की को लेकर कॉलेज के पास दो लड़कों को जमकर पीटा। स्थानीय लोगों के मुताबिक रोजाना छुट्टी के बाद इन छात्रों में मारपीट होती है। वहीं कॉलेज प्रशासन इन गुंडे छात्रों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो कानपुर का यह पूरा मामला है जहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से छात्र आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलेज के बाहर लड़कों में ये आपसी पिटाई होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसी तरह कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि कॉलेज के बाहर ये छात्र जो हैं एक दूसरे को पीटते हैं और लड़की से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी
कॉलेज प्रशासन इन पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महोबा आगमन की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह महोबा पहुंचे, जहां महोबा पहुंचकर मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही बैठक में आने वाली 19 तारीख को पीएम के आगमन को लेकर चर्चा की। वहीं अधिकारियों को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी। तो आपको बता दें, महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ऐसे में महोबा जो है कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे। साथ ही बता दें, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। पीलीभीत में शराब के नशे में धुत खाकी की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में एक रोडवेज बस में शराब के नशे में धुत सिपाही ने सवारी के साथ मारपीट की। वहीं बस में बैठे एक युवक ने सिपाही की इस गुंडई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में पीड़ित की ओर से आरोपी सिपाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया गया है। तो पीलीभीत का यह पूरा मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि नशे में धुत सिपाही की ये करतूत सामने आई है और एक बार फिर से पीलीभीत में खाकी शर्मसार हुई है। दरअसल सिपाही ने बदसलूकी की। साथ ही बता दें आपको, वहां पर मौजूद किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना दिया। चलिए, पीलीभीत से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, ये पीलीभीत से सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सिपाही नशे की हालत में है और सवारी के साथ मारपीट कर रहे हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे, पूरा मामला जो है थाना सुनगढ़ी इलाके का है, जहाँ पे सयापुर से लॉज करके पीलीभीत आ रही रोज में एक सिपाही और जो है किसी सवारी के साथ जो है किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। बाद में वो पूरा मामला जो है मारपीट पर उतर आता है। वही बताया जा रहा है सिपाही जो है नशे की हालत में धुत था, इसकी जैसी जानकारी जो है सूचना जो स्थानीय पुलिस को दी, तो पुलिस वहां मौके पहुंची और सिपाही को जो है वहां मौके से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। चलिए ठीक है प्रांजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीलीभीत का पूरा मामला है, जहां पर खाकी शर्मसार हुई है। नशे की हालत में धुत सिपाही ने बस में सवार यात्रियों से बदसलूकी की। जो आपको बता दें, बस में ही सवार एक यात्री ने पुलिस का वीडियो बना लिया सिपाही का, और उसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल होने के बाद वीडियो के अब सिपाही को हिरासत में ले लिया गया है। इटावा में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां थाना चकर नगर क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी के पुल पर एक तेज रफ्तार रेसिंग बाइक और ओमनी वैन की भीषण टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो इटावा का पूरा मामला है, जहां पर बाइक और वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं कितना भीषण यह हादसा था। आपको बता दें, इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है, जबकि दो घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। खबरों की माने तो युवक कल रात से लापता था और आज सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मथुरा में माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें चतुर्वेदी समाज के युवा और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर गली सेठ भीकचंद से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा शहर के पुराने बस स्टैंड तक के निकट स्थित गोपाल बाग बगीचे पहुंची, जहाँ कृष्ण और बलराम के स्वरूप ने विधिवत रूप से गाय चराने की लीला खेली।
ये गौचारण है, पूर्व काल से चला आ रहा है। चतुर्वेदी समाज इसको विशेष रूप से मनाता है और इसके लिए विशेष रूप से क्योंकि हमारे कंस वध के ऊपर काफी लोग दूर दराज से देश विदेशों से आते हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि गौचारण के दिन हम पहुंच जाएं तो भगवान के दर्शन हो जाएं। और खेलते हुए आपने यहाँ पे देखा होगा कि भगवान ने अपनी क्रीड़ा की है और गौ चराने के लिए वो पूर्व काल से यहाँ चले आते थे। यहाँ पे अब क्योंकि बहुत सारा समय बदलते हुए चीजें बदल गई हैं, तो यहाँ पे बहुत कच्चा होता था और कच्चे में ठाकुर जी खेलते रहे, उसी का निर्वाह करते हुए समाज के द्वारा ये परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में अक्षय नवमी पर परिक्रमार्थियों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व है, साथ ही इस दिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष परिक्रमा करते हैं। वहीं इसको देखते हुए नगर निगम ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम कर लिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो अक्षय नवमी के पर्व को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आई है, साथ ही प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम नगर निगम ने पूरे कर लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।